दे, आपके खानों में, आपके में, आपके आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पे जब आप सीख कबाब बनाते हैं तो वो टूट क्यों जाते हैं उनमें क्रैक्स क्यों आते हैं कौन से राज हैं जो आपको नहीं पता और कबाब सुकड़ क्यों जाते हैं इकट्ठे क्यों हो जाते हैं इसके अलावा कौन से स्पेशल मसाले इसके अंदर जाते हैं एक कबाब आपके कमरे में होगा पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाएगी बाजार से 20 30 गुना ज्यादा मजे के होंगे ये बहुत ही जूसी होंगे कौन से राज हैं कौन से मसाले हैं कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको नहीं पता और पते होने चाहिए इन शाला इजाज आपको सब कुछ बताएगा चले स्पेशल खुशबुओं के लिए तो सबसे खास बात ये एक छोटा सा पैन लेंगे और दो टेबल स्पून साबत धनिया हम लेंगे ठीक है मसालों को रोस्ट करना है ध्यान से देखिएगा कौन कौन से मसाले जीरा वन टी स्पून जाएगा गोश्त हमारा वन के जी है जो कीमा ठीक है उस हिसाब से ये मिसाले हमारे पास पिपली इसको लंबी काली मिर्च भी बोलते हैं इसकी दो खास बातें एक तो इसकी खुशबू नेक्स्ट लेवल की होती है कबाबों को कह लें कि इसकी खुशबू के बगैर बनाया नहीं जा सकता और दूसरी खास बात ये इतनी हाजमेदार होती है अगर आपके कबाबों में ये है तो जितने भी कबाब खा लें आपका पेट खराब नहीं होगा ठीक है दो डेढ़ इंच की हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अगली और सबसे अहम चीज़ कबाब चीनी समझ लें कबाब को कबाब की खुशबू ये कबाब चीनी ही देते हैं ठीक है ये तेल वाली काली मिर्च होती है ये और पिपली दोनों आपको पंसारी की चॉप से मिलेंगे ठीक है इन दोनों के बगैर सी कबाब बनता ही नहीं है ठीक है ये ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टीस्पून काफी होगी एक छोटी इलायची सिर्फ ये काफी होगी यहाँ पे काली मिर्च 1 टीस्पून ऐड करेंगे रेगुलर जो हमारी होती है ब्लैक काली मिर्च ये ऐड कर देंगे और अगली चीज है हमारे पास चलें जी بسم اللہ जस्ट हाफ टी स्पून अजवाइन ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी आपने मिस नहीं करना अब लो से फ्लेम के ऊपर दो मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे याद रखिएगा अभी बहुत सी चीज़ें जो आगे जाके ऐड होंगी तो ये बेसिक मसाले थे दो मिनट इसको रोस्ट करेंगे लो से फ्लेम के ऊपर फिर उसके बाद ठंडा करके आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करना पाउडर बना लेना है ठीक है अब यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च तीनों को मशीन के अंदर जो है वो कसाई से निकलवा लिया था ठीक है तो ये मैंने बड़ी कर लिया था लेकिन इसके अंदर बहुत सा पानी होता है जिस वजह से कबाब जो है वो गीले होकर टूट जाते हैं अब अगर आप मशीन से नहीं करवाना चाहती घर पे करना चाहती हैं तो आप इन चीज़ों को कूट लें या कद्दूकश कर लें उसके बाद इस तरह दबा आपने इनका पानी निकाल देना है अच्छी तरह से ठीक है ये देखें पानी निकाल लिया मैंने और इनको साइड पर कर दिया अब ये देखें ये ढेर सारा पानी निकला यहाँ पे हमने एक पाव प्याज और दो लहसुन के फूल लिए थे साथ ही अदरक डेढ़ इंच लिया था हमने ठीक है उन सब चीज़ों को पीस लिया था आठ से दस हरी मिर्चें थी छोटे वाली अब ये कीमे की बात सुन ले ध्यान से कीमा ये आप देखिए बिल्कुल आपने बड़ीक लेना है बड़ीक कीमा वो होता है जिसको आप ऐसे उंगली से टच करें इसके पीसीज आपको फील ना हो ठीक है ये बड़ीक जो सबसे मशीन होती है ना उससे मैंने दो दफ़ा निकलवाया इसको ठीक हो गया तो ये इतना बड़ीक है पहली अहम बात अगर ये मोटा हुआ इससे कबाब नहीं बनेंगे टूट जाएंगे दूसरी बात इसमें आठ ग्राम जो था वो गोश्त था और 200 ग्राम चर्बी थी ठीक है और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं था इन केस अगर इसके अंदर पानी हो तो आपने इसको दबा के या मलबल के कपड़े में डाल के इसका पानी निकाल लेना ये कि लेकिन ये देखें इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है और मेरे हाथों को भी पानी टच नहीं हो रहा ये जस्ट चिकना ही है यही कीमा आपको ऐसा ही कीमा चाहिए गीला पानी वाला कीमा जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगा ठीक हो गया और भी काफ़ी बातें हैं अगर आपके पास कीमा सही ना तो वो क्या करेंगे आप उसका भी मैं आपको आगे जाके टेक्निक बताऊँगा सारी यानी कि सभी मसलों के हल हो जाएंगे तो वन के हमारे पास ये कीमा है 800 ग्राम कीमा और 200 ग्राम चर्बी अब ये है हमारे पास प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च का आ, कीमा जिसको हमने अच्छे से पानी निकाल लिया था ठीक है पानी अच्छे से निकाल लेना बहुत जरूरी है अब यहां पे ये देखिए अगर प्याज के इस तरह के बड़े बड़े पीस अंदर आपको नजर आए तो आपने फौरन से निकाल लेने याद रखिएगा ये कबाब के अंदर जहां भी है कबाब में क्रैक आएगा और कबाब टूट जाएगा ठीक है अब जो मसाले नहीं वहां पे गए थे सबसे अहम यहां पे जायफल जोथी हम ऐड करेंगे वन टी स्पून वन के मीट के अंदर ठीक है और ये हमारे पास नमक डेढ़ टी स्पून नमक इसमें काफ़ी होगा लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें डेढ़ टी स्पून और इसमें हम चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे वो बहुत शानदार फ्लेवर देती है ठीक है वन टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं और अगली चीज़ है हमारे पास येलची हल्दी और वन टी ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त ज़्यादा है काफ़ी ये हमारे पास कचरी पाउडर वन टी इससे क्या होता है कि मीट जो है वो जूसी रहता है और जल्दी पक जाता है गल जाता है ठीक है और ये ले जी ये है हमारे पास आ, मसाले जिनको हमने रोस्ट किया था अब ये मसाला जब आप ऐड कर रही होंगी ना आपके फेस पे स्माइल आ जानी है क्योंकि ऐसी इसकी खुशबू होनी है ना कबाब चीनी और पिपली की वजह से कि आपका दिल खुश हो जाएगा यहीं पे अब यहाँ पे देखिए कुछ मसले आएंगे जब आप इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे ना तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये मिक्सचर आपका थोड़ा सा पतला बने ठीक है ज़्यादा अच्छा ना बने क्योंकि मीट में अगर पानी हुआ तो ऐसा हो सकता है हमारा काफ़ी ड्राई है वैसे क्योंकि हमने सभी रूल्स को अच्छे से फॉलो किया है फिर भी ना हो तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकती हैं ठीक है थीके। मैं दो चम्मच ऐड कर रहा हूँ अगर आपका ज़्यादा ये पतला है तो आप ज़्यादा ब्रेड क्रम्स जो है इसके अंदर ऐड कर सकती हैं ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप डबल रोटी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं कोई मसला नहीं है ठीक तो है वो भी नहीं तो आप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं वो भी नहीं तो आप इसके अंदर बेसन को भी भून ऐड कर, कर सकती हैं ठीक है मसला ये है कि फाइनली आपका ये जो मिक्सचर है ये ड्राई होना चाहिए ठीक है और अगर आपके पास चर्बी नहीं खाली आपके पास मीट है तो आपने इसके अंदर दो चम्मच घी के ऐड कर देने हैं ठीक हो गया ये सारी बातें आप अपने ध्यान में रख के फिर ही कबाब जो है वो बनाने हैं अब यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छे से तैयार है अगर ये फिर भी नरम हुआ तो उसको फ्रिज में रखते हैं दो घंटे उससे भी ये सत हो जाता होता है पानी में थोड़ा सा हम ये कलर ले लेंगे ये जरा उसका मेकअप करने के लिए जो कबाब के ऊपर हम लगाएंगे इससे एक ना एक बहुत ही चार्मिंग सी लुक आ जाती है ठीक है मेकअप का आपको अच्छे से पता ही होगा क्यों किया जाता है चलें साइड पर करते हैं अब हमारे पास है एक बारबी स्टिक और उसके ऊपर हम इस तरह से अच्छा ये बॉल पता है क्यों पहले बनाते हैं ताकि इसके अंदर कोई हलान आए कीमे के अंदर इसके ऊपर हम इसके ऊपर रख के इस तरह से जोर से बनाते जाएंगे अब ये टूटे वूटेगा बिल्कुल नहीं क्योंकि हमने रूल्स को अच्छे से फॉलो किया था अगर आपके पास ये बारबेक्यू स्टिक नहीं है तो आप जो पेंसिल होती है उसको भी यूज कर सकती हैं बच्चों की लिखने वाली पेंसिल ठीक है अब यहाँ पे हमने पहले कुबाबों को, को बना लेना अब डायरेक्ट इसको पैन में डालेंगे तो ये टूट सकते हैं ये क्रैक्स आ सकते हैं तो हम इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे आग के ऊपर सेक लेंगे इससे क्या होगा ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा पकाना नहीं हल्का सा आपने सेकना है उससे ये थोड़ी सी स्किन उसके ऊपर से ना हार्ड हो जाएगी इससे क्या होगा ये टूटेंगे नहीं क्रैक्स नहीं आएंगे इनकी शेप अच्छी बनी रहेगी और यहीं पर आप अगर चाहें तो इनको फ्रीज भी कर सकती हैं ठीक हो गया तो इस तरह से हम पहले सब बना लेंगे उसके बाद आपने फ्राई कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है ये नहीं जी हमने इनको निकाल लिया अब बिस्मिल्ला खूबसूरत सा एक पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे ठीक है और लो फ्लेम के ऊपर हमने यहाँ पर इनको करना है फ्राई ठीक हो गया अब फ्राई हमने करना है चूँकि हमने कचरी पाउडर ऐड किया हुआ है हमने स्टे भी दिया था तो हम इसको आराम से पका लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर बहुत लो करने की ज़रूरत नहीं है पर अगर आप फ़ौरन से इनको फ्राई कर रही हैं और आपने कचरी पाउडर भी ऐड नहीं किया हुआ तो आप इसको लो फ्लेम पर पकाइएगा ताकि अंदर तक ये कुक हो चूँकि इनके अंदर होल है सुराख सुराख है उसका बार्बिक स्टिक का तो इसकी स्किन बहुत पतली है तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगी जैसे इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आएगा आप इनको निकाल सकती है ये देखें जहां पे गोल्डन से कलर माशाल्लाह से आ गया अब इसको निकाल लेते हैं अब देखते हैं जी इनकी आपने सर्विंग कैसे करनी है ठीक हो गया चलें जी बिसमिल तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमतें नीमते और बढ़ते थे दूसरे महाने में तो मेरे प्यार ये मैं आपको कबाब दिखाता हूँ ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा बहुत जूसी है बहुत खुशबूदार माशाला से इतना है आप हैरान रह जगी इसी तरह ईद उल रेसिपी के लिए बड़ी ईद की रेसिपी के लिए ईद स्पेशल रेसिपीज के लिए बीफ कबाब रेसिपी के लिए सीख कबाब रेसिपी के लिए शामी के रेसिपी के लिए हमारे चैनल को डिस्पेक्शन जाइए रखें गुरु तक अल्लाह हाफिज